एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट है, टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है। तो आपने ये जो क्वेश्चन है इनके लिए साइन ए, कॉस ए, टेन, कॉट, सीकेंट और कोसिकेंट की रेंज देखनी है कि अभी उनकी वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक जा सकती है। तो सबसे पहले अगर बात करें साइन ए साइन थीटा और कॉस थीटा या साइन ए और कॉस ए की वैल्यू, तो इनकी वैल्यू -1 से लेकर 1 तक हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, -1 से कम नहीं हो सकती है, इनके बीच में मिलेगी, -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं साइन ए और कॉस ए। तो जैसे कि भी अगर यहाँ पर हो, मान लो इसकी वैल्यू होगी -0.8, मान लो यहाँ पर मिलगी, जैसे इसकी वैल्यू मिलगी 0.4, तो इसकी वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है वो -1 और जो सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है 1। तो आप बोलते हो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू बिलोंग करती है किस किस के बीच में, होती है -1 से लेकर 1 के बीच में। बात करें अगर टेन ए और कॉट ए की वैल्यू, तो इनकी वैल्यू -∞ से लेकर ∞ तक जो मर्जी वैल्यू हो सकती है। माइनस अगर कोई बोले कि भी -1 लाख, तो वो भी हो सकती है। अगर कोई बोले -1 करोड़, तो वो भी हो सकती है। अगर कोई बोले 1 लाख, तो वो भी हो सकती है। अगर कोई बोले 1 करोड़, तो वो भी हो सकती है। इसकी वैल्यू -∞ से लेकर ∞ तक जो मर्जी हो सकती है। इन्फिनिटी का मतलब है 1, 2, 3 ऐसे चलते जाएं, 100, 101, 102, 1 लाख, 1 करोड़ ऊपर तक जाते जाएं। इन्फिनिटी का मतलब है अनगिनत, कोई जिसकी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, जितनी बड़ी मर्जी बड़ी वैल्यू ले लो उससे भी बड़ी वैल्यू मिल जाए। और -∞ का मतलब माइनस में बहुत बड़ा नंबर, -1, -2 ऐसे जाते जाएँ, माइनस कभी ना कभी 100 भी आ जाएगा, -1000 भी आ जाएगा, ऐसे जाते जाएँ माइनस की तरफ। तो टेन ए और कॉट ए की वैल्यू जो है वो -∞ से लेकर ∞ तक जहाँ मर्जी मिल सकती है। अब बात करें अगर सीकेंट ए या सीकेंट थीटा भी बोल सकते हैं, थीटा और कोसीकेंट थीटा, इसके आगे जो लगा होता है वो एंगल होता है, उसको ए बी थीटा वगैरह जो मर्जी बोल सकते हैं। और ऐसे सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा की वैल्यू -1 या उससे नीचे मिलेगी, 1 या उससे ऊपर मिलेगी। सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, इसकी वैल्यू -∞ से लेकर -1 तक हो सकती है और 1 से लेकर ∞ तक। जैसे इसकी वैल्यू -100 मिल सकती है, 1000 भी मिल सकती है, ऐसी इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है और जितनी मर्जी बड़ी चाहो उतनी हो सकती है, लेकिन किस किस के बीच में नहीं मिलेगी, -1 और 1 के बीच में। तो साइन और कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में मिलती है और सीकेंट और कोसीकेंट की वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं मिलती है, या तो -1 और उससे छोटी होगी या 1 और उससे बड़ी होगी। और टेन ए और कॉट ए की वैल्यू कुछ मर्जी हो सकती है, चाहे वो माइनस में जितनी मर्जी बड़ी हो, चाहे प्लस में जितनी मर्जी बड़ी हो। तो इस पर बेस्ड अगर हम क्वेश्चंस के आंसर दें, तो जो इसका पहला पार्ट है, पहला पार्ट पूछा गया है कि टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है। तो टेन ए की वैल्यू ये कह रहा है कि भी हमेशा एक से कम होती है, एक से नीचे होती है, तो ऐसा गलत है, क्योंकि इसकी वैल्यू एक से कम भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि सदैव एक से कम होती है, तो यह गलत है, क्योंकि इसकी वैल्यू एक से बड़ी 2, 3, 4 जितनी मर्जी मिल सकती है।
तो पहली बात आप लिखोगे असत्य, और इसका रीज़न लिखोगे क्योंकि टैन ए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी मान ले सकता है, तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई मर्जी हो सकती है। और सेकंड पार्ट है इसका कि कोण ए पहले का असत्य, दूसरा कोण ए के किसी मान के लिए सीकेंट ए 12/5 हो सकता है। तो आप देखोगे 12/5 की वैल्यू 2.4 आ जाएगी, तो सीकेंट की वैल्यू एक से बड़ी होती है या माइनस एक से छोटी होती है, तो कभी ना कभी 2 भी आ जाएगा और कभी ना कभी 2.4 भी आ जाएगा। तो ये वाली बात सत्य है। तो दूसरे वाले का उत्तर आप लिखोगे सत्य, और कारण लिखोगे क्योंकि सीकेंट ए माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी तक कोई भी मान ले सकता है। इसका आंसर ये हो गया कि कोई भी मान ले सकता है। और इसका तीसरा पार्ट है कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट ए के लिए प्रयुक्त होता है। तो तीसरी बात बिल्कुल सत्य है कि कॉस ए को हम कोसिकेंट ए के लिए यूज़ करते हैं, कोसिकेंट है यहाँ पर, लेकिन कॉस ए कोसाइन ए के लिए यूज़ करते हैं। वर्ड कोसिकेंट है लेकिन कॉस ए जो है वो कोसाइन ए के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे असत्य, क्योंकि कॉस ए कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है। और कोसिकेंट ए किसका संक्षिप्त रूप है? कोसिकेंट थीटा का। तो कोसिकेंट थीटा कोसिकेंट, अगर कोई बोले कि कोसिकेंट ए कोसिक ए, तो कोसिक ए कोसिकेंट ए के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कॉस ए कोसाइन ए के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर आया असत्य। चौथा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, तो ये बात गलत है, असत्य है, क्योंकि जो कॉट ए है वो तो कोण ए पर कॉट की वैल्यू को दर्शाता है, ना कि इनका गुणनफल है। तो चौथे का आंसर आ जाएगा असत्य, क्योंकि कॉट ए बराबर नहीं है कॉट गुना ए, ऐसा नहीं होता है। और पांचवी बात है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है। तो अगर आप 4/3 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 4/3 1.333 ऐसा कुछ आ जाएगा, 1.333 चलते रहेंगे। तो ये वैल्यू आप देख रहे हो कि एक से बड़ी है, परंतु साइन की वैल्यू एक से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती है, तो जो कि असत्य है। इसीलिए साइन थीटा बराबर 4/3 असत्य है। कारण लिख देंगे क्योंकि साइन थीटा -1 से 1 तक के मान ही ले सकता है। तो एक से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3 है तो वो गलत है, क्योंकि 4/3 तो यहाँ पर कहीं पर आएगा, एक से बड़ा होगा, लेकिन साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए ये असत्य है। तो आंसर समझ में आ गया होगा। फर्स्ट था टैन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन टैन ए की वैल्यू 1 से बड़ी भी होती है, इसलिए ये असत्य था। कोण ए के किसी मान के लिए सीकेंट ए 12/5 हो सकता है, तो 12/5 की वैल्यू 2.4 आएगी, तो सीकेंट की वैल्यू 1 से बड़ी पॉसिबल है,
या माइनस वन से छोटी पॉसिबल है, तो एक से बड़ी पॉसिबल है तो 2.4 भी हो सकती है, तो ये बात सत्य है। कॉस है गुण कोण ए के कोसिकेंट ए के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये गलत है, असत्य है, क्योंकि कॉस ए जो वर्ड है वो कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है। और कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है, तो ये गलत है। कॉट ए वैल्यू बताता है कोटेंजेंट की कोण ए पर, लेकिन ये कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, तो ये असत्य हुआ। और किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि साइन की वैल्यू कभी भी -1 और 1 -1 से छोटी नहीं हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, -1 और 1 के बीच में आती है।